आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। जिला अस्पताल में 102-108 एम्बुलेंस हेल्प डेस्क की हुई स्थापना। बता दें सीएमएस डॉक्टर हंसराज सिंह ने किया फीता काट कर शुभारंभ। ऑपरेशन हेड दिनेश सिंह ने कहा कहीं से व्यवस्था ना होने पर करें यहां पर संपर्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 102-108 एम्बुलेंस सेवा के लिए जिला अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास एम्बुलेंस हेल्प डेस्क की स्थापना सीएमएस डॉक्टर हंसराज सिंह द्वारा कराई गई, जिसका शुभारंभ सीएमएस डॉक्टर हंसराज सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान लखनऊ से 108A-102 सेवा का ऑपरेशन हेड की प्रमुखता से मौजूदगी रही। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर हंसराज सिंह ने बताया कि 102-108 एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर बनाने को यहां एक हेल्प डेस्क की स्थापना को हमारे द्वारा की गई है। इस जगह पर एक व्यक्ति की तैनाती की है जो कि राउंड बार 24 घंटे ये बताएंगे कि किसी भी परिस्थिति में 108A-102 एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगी घर के लिए भी, और जहां भी सरकारी डॉक्टर हमारे रेफर करेंगे 108 एम्बुलेंस को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दिनेश सिंह ने बताया कि 108-102 सेवा का ऑपरेशन हेड है, वे इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें एम्बुलेंस की ज़रूरत है और सेवा नहीं मिल पा रही है तो वे हेल्प डेस्क पर आएं, यहाँ से उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया गया है। वह जब 102-108 का किसी कारणवश नंबर नहीं लगता तो जो भी यहाँ तैनात रहेगा वह यहाँ के जारी नंबर से मदद करेगा। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। ऑपरेशनल हेड श्री दिनेश सिंह जी आए हुए हैं और इन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मैंने जगह दी है यहाँ पर एक व्यक्ति की उन्होंने तैनाती की है जो कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये बताएगी कि एम्बुलेंस यदि 102 और 108 से किसी कारणवश नहीं संपर्क हो पा रहा है उस कंडीशन में वो जो व्यक्ति है यहाँ पे हमारे अस्पताल प्रांगण में गेट से घुसते ही तो परेशान मरीज को तुरंत उस संपर्क करने पर उसको वह एम्बुलेंस जो है तुरंत उपलब्ध और मुहैया कराएंगे घर के लिए भी मरीज़ को और अस्पताल में जहाँ भी सरकारी डॉक्टर हमारे रेफर करेंगे वहाँ पे वो जाएगी। मेरा नाम दिनेश सिंह है और मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं 108-102 सेवा का ऑपरेशन हेड हूँ और आज यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का जो है इनॉग्रेशन हुआ है सीएमएस साहब द्वारा किया गया है। पर्पज़ इसका ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के पास फ़ोन नहीं है, उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ सीधे आके संपर्क कर सकते हैं और उनको एम्बुलेंस की सेवा त्वरित प्रदान की जाएगी। और अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में घबराए हुआ आता है, उसको समझ नहीं आता क्या करें, तो अगर सामने से हेल्प डेस्क उनको दिखेगा तो वो डेफिनेटली एम्बुलेंस सेवा को लेगा और उसका लाभ ले पाएगा। सरकार का एक ही पर्पज़ है कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको निःशुल्क भाव से हॉस्पिटल से घर और 102 से हॉस्पिटल से वापस घर, और अगर चाहें तो वो तो घर से हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। ये सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। नंबर भी कुछ जारी किया है, यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का एक नंबर भी दिया है, आप 102 और 108 पर तो कॉल कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश फ़ोन नहीं लग पा रहा, वैसे तो लग जाता है, या पेशेंट फ़ोन लेके नहीं आया है, तो इस नंबर पर किसी भी नंबर से कॉल करेंगे तो यहाँ आपको सुविधा मिल पाएगी। एक बंदा यहाँ तैनात रहेगा जो सेवा हमारी देगा।